करूंगा। तो अभी अपन एक काम करते हैं, फटाफट से चलते इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, यानी पुत्री के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चलते हैं और वहां से पटेल लैपटॉप खरीद के सीधे पेट्रोल पंप में डिलीवर करके आ जाते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले एक कॉल आया था पेट्रोल पंप से, वो बोले पेट्रोल पंप वाले को लैपटॉप चाहिए, तो अपन लैपटॉप दे के आते हैं उनको। और वो बोल रहे थे हमें पोटैटो लैपटॉप नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए लेकिन पोटैटो लैपटॉप नहीं चाहिए। तो अपन देखते हैं अगर कोई दूसरी कंपनी का लैपटॉप होगा तो वो दे देंगे। पता नहीं भाई इसको पोटैटो से क्या दिक्कत है, हाँ पोटैटो लैपटॉप को मना कर रहा है। चलो देख लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कोई दूसरे लैपटॉप होंगे तो वो परचेज कर लेंगे, लेकिन भाई वो महंगे नहीं होने चाहिए। अभी मेरे पास है 1225, तो 1225 के अंदर आ जाए ना लैपटॉप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई मेरे को वो पोटैटो लैपटॉप ही खरीदने पड़ेंगे। वो क्या पता वो पेट्रोल पंप वाला ले नहीं बोले, मैंने मना किया था, एक्सीडेंट यार भाई मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। चलो कोई नहीं, डैमेज तो नहीं हुआ। और वैसे क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो पोटैटो लैपटॉप का, हाँ भाई वो पेट्रोल पंप वाला वापस भी कर सकता है, इसलिए मैं एक काम करूंगा कोई दूसरी कंपनी की लैपटॉप परचेस कर लूंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपन आ चुके पुत्री इलेक्ट्रॉनिक में, यहाँ पे सही तरीके से कर देते पार। ओके, उससे लाइट बंद करेगी नहीं, हाँ लाइट बंद कर दी भाई, लाइट बंद करना जरूरी है, नहीं तो पेट्रोल जाता है। पता है मेरी कार में कितना पेट्रोल बचा है, मेरी कार में सिर्फ पेट्रोल बचा है 23 लीटर। भाई भरवाना पड़ेगा यार मुझे लग रहा है, तो अपन 5-10 लीटर भरवा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पड़े रहे। तो अभी अपन एक काम करते हैं फटाफट से अंदर चलते हैं और यहाँ पे लैपटॉप देख लेते हैं। उसके यहाँ पे 2 लैपटॉप रखे हैं, एक लैपटॉप का नाम है पटेटो जो कि नहीं चाहिए पेट्रोल पंप वाले को, और दूसरे लैपटॉप का नाम है गेमिंग लैपटॉप। हाँ गाइस मेरे हिसाब से यही चाहिए उसको, तो अपन ये परचेस कर लेते हैं। 1137 का इसको अपन बेचेंगे तो अपन को 700 रुपये मिलेंगे, 2 पैकेट है, अच्छा 2 है क्या इसके अंदर, ओके यानी 1400 का प्रॉफिट। हाँ चलो भाई बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर अपन ने गेमिंग लैपटॉप परचेस कर लिए, अब अपन इसको फटाफट से कार के डिक्की में डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन ने अपनी कार के डिक्की में गेमिंग लैपटॉप रख दिया है। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं जब यहाँ तक आया हूँ तो एक बार अपन मिस्टर कंटक की शॉप में भी झांक ही लेते भाई, बहुत टाइम से मैं गया नहीं हूँ। तो अंदर चलते हुए उसके बाद इन्हें फूल वगैरह लगा दिए, यार इनके पास पैसे तो आ रहे हैं यार भाई, फूल वगैरह एकदम फ्लावर पॉट वगैरह के पैसे आ गए इनके पास, यानी अमीर तो हो रहे, इनकी शॉप अच्छी तो चल रही है। और वैसे भाई कंडक जी से बात कर लेते इतने टाइम बाद आए तो। हेलो मिस्टर कंडक जी, यू आर द वन हु मेंटेन दैट शॉप राइट? तो गाइस ये बोल रहे हैं कि आप अकेले हो जो इस शॉप को बढ़ा रहे हो, यानी भाई मैं खरीदता रहता हूँ ना सामान, तो वो तारीफ ही कर रहे हैं। जस्ट राइट, कैन यू हेल्प सेल द फिश स्टिक? कैसे बोल रहे हैं, मेरी आप मदद कर सकते हो फिश स्टिक बेचने में? आई विल गिव यू गिफ्ट, कैसे मुझे गिफ्ट भी देंगे, लेकिन मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, इतने टाइम से मेरे को सामान बेच रहे हैं एकदम सस्ते सस्ते में, तो मैं इनकी इतनी मदद कर ही सकता हूँ, भले ही मेरे को गिफ्ट नहीं दे लेकिन मैं इनकी मदद करूंगा। चलो ठीक है, तो अभी अपन इनको बोल देते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है गाइस मैंने इनको हाँ बोल दिया है, और अब ये देंगे मेरे को ऑलराइट हियर द प्रोडक्ट। गाइस ये मेरे को प्रोडक्ट देने वाले, देखते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्या इसके अंदर, अच्छा फिश की स्टिक है, कितने इसके अंदर फिश स्टिक, 25। अबे भाई 25, अरे अंकल पूरे स्टॉक ही दीजिए क्या, वैसे आंटी है गाइस, मैं अंकल समझ रहा था, आंटी जी 25 कैसे दी दी है, चलो छोड़ो यार गाइस, मैं तो भाई सामान लेने आया था, इन्हें अलग काम पकड़ा दिया। तो अपन एक काम करते हैं इसको उठाते हैं और डिक्की में रख देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिश स्टिक का डब्बा भी रख दिया, तो अभी अपन फटाफट से चलते हैं अपनी शॉप में। और वैसे वेट, अपन एक काम करते हैं अपनी शॉप से पहले अपन पेट्रोल पंप में चले जाते हैं, जो अपन ने लैपटॉप परचेस किए ना उनको होम डिलीवरी भी कर देते हैं, तो फटाफट से वहीं पर चलते हैं पेट्रोल पंप में, ठीक है। हाँ यार भाई मैं बार बार ये काम नहीं करूँगा, पेट्रोल भी जाता है। और वैसे लाइट ऑन कर देता हूँ, रात हो गई भाई, लिटरली रात हो चुकी है, और मैं रात पड़े भी काम करता हूँ, मेहनती तो हूँ भाई, मेहनती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसका मेरे को रास्ता भी देखना पड़ेगा यार, मेरे को पता है रास्ता कम याद रहता है, लास्ट टाइम भी मेरे को रास्ते की दिक्कत आ रही थी, लेकिन इस बार भी रास्ते की दिक्कत, चलो ठीक है मेरे को मिल गया वैसे ये ही ना, अरे नहीं यार वो तो आगे की साइड है, ना 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 भाई ये तो अपने बचत शॉप आ जाएगी, अपने को पेट्रोल पंप में जाना है, पेट्रोल पंप यहाँ से राइट में होगा, अरे लेफ्ट में होगा सॉरी, हाँ लेफ्ट में होगा आगे से है क्या भाई पेट्रोल पंप, यानी तो दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ ये रहा गाइस पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे अपन फटाफट से डिलीवरी कर देते हैं। उसके बाद डिलीवरी करनी कहाँ है, यहाँ पे कोई सा ऑफिस ऑफिस है क्या जिसके अंदर डिलीवरी करना है, अच्छा वो जो सामने बंदा खड़ा है इसको डिलीवरी देना है। ओके, तो अपन इसको फटाफट से लैपटॉप दे देते हैं। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे बॉब को लैपटॉप दे दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में पैसे भी ऐड हो चुके हैं, मेरे पास हो चुके 1488। तो थैंक यू बॉब, मैं जाता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने बॉब को डिलीवरी कर दी, और उसके बाद बॉब के पास एक प्यारी सी कार है जो कि टूटी हुई है, अगर ये इसको मॉडिफाई करके रिपेयर कर देना तो भाई मैं इसको खरीद के ले जाऊंगा यार, करेगा क्या, एक बार बात करूँ क्या मैं इससे,
इसको करेगा ऑलवेज सी हाउ मच, अरे यार ये गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में कार के बारे में देता तो अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, अभी अपन गाइस फटाफट से चलते अपनी शॉप में, और वहाँ पे अपने को ये जो अपन मिस्टर कंडक्ट के डब्बे लाए ना, इसको भी लगाना है, उसकी मदद करनी है अपने को, उसके बाद वो अपने को गिफ्ट भी देगा। तो फटाफट से अपन अपनी शॉप में चलते, विकास रात हो गई यार, और विकास यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे के साइड मेरा थर्स्टी 100% हो गया है भाई यार, कसम से मुझे कुछ पीना पड़ेगा, मेरा गला पूरा सूख चुका है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं ना निपट जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। इसलिए अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे के साइड ना एक बार शॉप होगी, तो उस बार शॉप से कुछ पी लेते हैं, पैसे कम है तो सस्ता वाला पी लेंगे, ठीक है। तो ये रहा बार, फटाफट से बाहर चलते हैं, मतलब अंदर चलते हैं, कहाँ है भाई रास्ता, अरे अच्छा है ठीक है, इधर से चलते हैं। मिस्टर अहमद जी कुछ पिला दीजिए, सस्ता सा पिलाना, पानी पिला दो, एक काम करो जूस वूस छोड़ो, जूस महंगा आएगा, पानी पिला दो मेरे को, अरे पानी चाहिए नॉर्मल वाटर $40 भाई, ये भी महंगा ही देते हैं। चलो ठीक है पानी पी लिया, 70% भाई यार, 30% ही कम हुई मेरी 60, एक और बार पानी पिला दो, एक और बार पानी पिला दो, ओके 40%, अरे भाई ऐसा मत करो यार, एक ही बार में निपटा दो, लास्ट बार पी रहा हूँ मैं पानी, ठीक है अब नहीं पीऊंगा भाई, पेट दर्द हो जाएगा, ओके। तो गाइस 11% 30 हो चुकी है, मैंने पानी तो पी लिया, मेरे को हॉट डॉग भी खाना पड़ेगा, आगे के साइड हॉट डॉग की एक दुकान है, तो वहाँ से हॉट डॉग खा लूंगा ताकि मेरा हंगर बार भी कम हो जाए। तो अभी अपन फटाफट से पार्क कर देते गाड़ी और इससे खरीद लेते हॉट डॉग, और वैसे हॉट डॉग मैन को तो देखो एकदम भाई सूट पहना हुआ है उसने, हॉट डॉग वाला है अजीब सही। चलो कोई नहीं, इससे हॉट डॉग परचेस कर लेते, ले भाई मेरे को दो हॉट डॉग खिला दे, तो भूख तेज लगी है तो दो खा लेते हैं, $60 सस्ता मिलता है हॉट डॉग तो। और वैसे इसकी लाइट बंद कर देता हूँ, ओके ठीक है, इसकी लाइट बंद कर दी, और इसका जो डब्बा है ना, यानी ये फिश स्टिक के डब्बे को अपन फटाफट अपनी शॉप में लेके जाते हैं। और कहा मेरी शॉप में ना लाइटें कम है, हाँ ये बाहर की साइड भी लाइटें होनी चाहिए ताकि पूरा रोड रोशन रोशन रहे, हाँ एकदम भाई अंधेरा अंधेरा बेकार सा लगता है। चलो कोई नहीं, अभी अपन ये फिश स्टिक को सही तरीके से जमा देते हैं, और जगह से यहाँ पे जमाते जमाते एक कस्टमर आया है, पता नहीं ये क्या खरीदना जाएंगे, और जगह फिश स्टिक ही है तो मेरे हिसाब से फिश स्टिक ही खरीदेगा। हाँ भाई यहाँ पे बिकना शुरू हो चुकी है, $0 प्रॉफिट हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कस्टमर फ्री में लेके जा रहे हैं क्या, एक सेकेंड। अच्छा हाँ यूँ भी हो सकता है कि सीधा जो पैसा है ना वो मिस्टर अहमद की दुकान में जा रहा हूँ, हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, उसने बोला था ना मैं गिफ्ट बाद में तुम्हारे को दूंगी, यानी उसी के पास प्रॉफिट जा रहा होगा और उसी प्रॉफिट से वो मेरे को बाद में गिफ्ट देगी। चलो बढ़िया, तो फिर मैंने काम करते जमा देते, और वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फिश स्टिक की अच्छी खासी डिमांड है भाई, दो दो तीन तीन कस्टमर आ रहे हैं यार, ये भी बढ़िया है। तो बड़ा बस अपन जमा देते हैं, आंटी थोड़ा साइड हट जाओ तो। और वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि बीटा मार्ट वाले जल्द से जल्द अपडेट लाएं, और ऐसा अपडेट लाएं जिसमें मैं इम्प्लॉय भी हायर कर सकता हूँ, ताकि भाई मैं ना यहाँ पे इम्प्लॉय लगा दूंगा जो कि सारा का सारा सामान सजाएगा, भाई मेरे को नहीं सजाना पड़ेगा, एक ओनर सामान सजाता है कितना अजीब लगता है भाई, कस्टमर भी समझते दुकान बहुत ज़्यादा गरीब है और इसलिए कस्टमर भी कम आते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक एम्प्लॉय हायर कर लूँ, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गेम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं एम्प्लॉय हायर करूँ, बस ये एक है एंटन जो सिर्फ कंप्यूटर संभालता है, हाँ नहीं तो क्या भाई, कंप्यूटर ओनर को संभालना चाहिए और एम्प्लॉय को ही सामान जमाना चाहिए, लेकिन मेरी शॉप में उल्टा होता है, ओनर सामान जमाता है और यहाँ पे एम्प्लॉय कंप्यूटर संभालता है, भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है। चलो कोई नहीं, अभी अपन फटाफट से सजा देते हैं, रुजगार देखो कितनी जल्दी जल्दी फिश स्टिक बिक रही है, रुजगार 7 ही डब्बे बचे हैं, इनको भी फटाफट से जमा देते हैं ताकि अपन भाई मिस्टर कंडक्ट के पास जाए और उससे गिफ्ट कलेक्ट करें। उसे कहा मेरे हिसाब से गिफ्ट कलेक्ट में $500 या $1000 होंगे, मैंने लास्ट टाइम जब गीता की मदद की थी ना तो उसने मेरे को 1000 ऐसे कुछ पैसे दिए थे, और शायद तो गिफ्ट भी दिया था, पता नहीं एक फोटो वोटो कुछ ऐसा करके उसने मेरे को दिया था जो कि अच्छा खासा गिफ्ट था, लेकिन भाई मेरे को तो पता है मज़ा पैसे में ही आया था, हाँ पैसे देना तो अच्छा रहता है। और जगह सिर्फ 4 ही डब्बे बचे फिर स्टिक के, उनको भी फटाफट से लगा देते हैं, उसके बाद अपन फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद ये जब भी बिके अपन बाद में फिर जाएंगे मिस्टर कंडक की शॉप में। और वैसे गाइस यहां पे आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे फिश स्टिक बिक चुके हैं, तो अभी अपन एक काम करते हैं सीधे चलते हैं मिस्टर कंडक की शॉप में और उससे भाई गिफ्ट मांगते हैं, उन्होंने बोला था ना कि अगर तुमने फिश स्टिक बेच दी सारी की सारी तो मैं तुम्हारे को गिफ्ट दूंगा। और इसने कहा चलो छोड़ो, अगर ये मेरे को गिफ्ट नहीं भी देगा ना तो भी ठीक है, बस अपन इनसे बात कर लेते हैं कि मैंने आपके सारे के सारे प्रोडक्ट बेच दिए, ताकि इसको पता चल जाए मैंने इसके प्रोडक्ट बेच दिए, आंटी जी मैंने आपके प्रोडक्ट बेच दिए हैं, क्या आप खुश हो? ओ थैंक यू गाइस, ये खुश तो है, इसने मेरे को थैंक यू बोला यानी ये खुश है, बस अब ये गिफ्ट नहीं भी देना तो अच्छा रहेगा क्योंकि भाई बूटी आंटी यार, इनकी मदद करना अपना फर्ज है, तो चलो ठीक है आप मुझे नहीं भी दोगे तो चलेगा। और इसका ये बोल रही है मैंने तुम्हारे से प्रॉमिस किया था तो मैं तुमको दूंगी गिफ्ट, थैंक यू अगेन। तो गाइस ये मेरे को गिफ्ट दे रही है, क्या दिया गाइस, एक सेकेंड, इसने मुझे 150 ऐसे कुछ हजार रुपए दिए, देखो मेरे पास अभी 3234 हो गए, अरे थैंक यू मिस्टर कंडक जी, आपका आधे सराकों पर भाई ने मेरे को बहुत सारे पैसे दे दिए यार, थैंक यू मिस्टर कंडक जी।